नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाक के पूर्व राजनयिक का दावा, भारत की एनएसजी सदस्यता का चीन करेगा विरोध, अमेरिका का पहले से है भारत को समर्थन। पाक भारत के रिश्तों पर बोला पाक विदेश मंत्रालय, भारत के साथ जारी रहेगी बातचीत, पठानकोट हमले के बाद जनवरी में टली थी बातचीत। अमेरिका के वीजा शुल्क वृद्धि पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई चिंता, वीजा फीस की बढ़ोतरी को बताया पक्षपातपूर्ण, आईटी कंपनियों को होगा नुकसान। जापान के दक्षिणी इलाके में 6.5 तीव्रता का भूकंप, 9 लोगों की मौत, 700 जख्मी, मकान ध्वस्त, सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का दावा, उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रक्षेपण नाकाम, उत्तर कोरिया के संस्थापक के जन्म समारोह पर किया गया था मिसाइल प्रक्षेपण। मरुस्थलीय देश यमन और सऊदी अरब में बाढ़ का कहर, 42 लोगों की मौत, कई लोग लापता, तेज तूफान के चलते आई थी बाढ़। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।